सो दोस्तों स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। रात के एक बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं और हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, दुनिया सो रही है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि ये अभी रमजान के टाइम पे रात को ही ओपन रहता है बेसिकली सब जगह पे। करेक्ट। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया है कि यार आप हिंदी में नहीं बनाते ब्लॉग, इसी वजह से तो इस बार का वीडियो भी आप लोग को डेफिनेटली पसंद आएगा। जो लोग बाइक्स के रिलेटेड, सुपर बाइक्स के रिलेटेड ये वीडियो, स्पेशली हायाबुसा के लिए और अदर मॉडिफाइड बाइक्स के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं, डेफिनेटली उनको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे दूं कि टॉप स्पीड 15 साल पहले बना था, जो कि शारजा में सेटअप हुआ था इनका, और वहाँ से फिर इन्होंने स्टार्ट करते हुए अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हुए आज ये लोग दुबई पे सेटअप है इनका। इनके क्लाइंट्स वगैरह इंडिया से हैं और आपके सऊदी से, बहरीन, कतर और काफ़ी सारे कंट्रीज से इनके क्लाइंट्स वगैरह हैं। और ये बाइक्स वगैरह सिर्फ क्लाइंट के बेसिस पे, उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बनाते हैं और साइड बाई साइड शोज़ के लिए भी बनाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी मेरे दो दोस्त के साथ में खड़ा हूँ यहाँ पे, और सर आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है। और सर आपका? मेरा नाम मुस्तफा खान। सो दोनों ही दोस्त यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। और सर कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 4 साल से काम कर रहे हैं। और सर आप? मैं 1 साल से 1 साल से काम कर रहे हैं। तो आज मैं इनके साथ में हूँ और मैं जानना चाहूँगा ये आपका जो टॉप स्पीड है ये कब शुरू हुआ था यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे कैसी चीज़ें हैं जिसके कारण कस्टमर्स लोग आते हैं? देखिए यहाँ पर तो तकरीबन 15-20 साल हो गए जी शॉप के लिए। पहले शारजा में था ये शॉप। ओके। अभी इधर आया तकरीबन 11 साल हो गया। और पूरा कस्टम बाइक्स इधर बनता, पूरा कस्टम बाइक्स बाहर से भी, अमेरिका से भी बनाते इधर ले जाते लोग, और पूरा एक्सेसरीज हम लोग डालते इधर, पूरा कस्टम बाइक्स बनाते। ज़्यादा लोग अरबी लोग का ज़्यादा डिमांड है, सऊदी और बहरीन, कुवैत, ओमान, पूरा कंट्री के अरबी लोग आते हैं हमारे पास। दरअसल एक्चुअली मैं बताऊँ तो स्टंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और मुश्किल तब बनता है जब आपके पास हायाबुसा जैसे हैवी बाइक्स है। ये इसका वेट भी ज़्यादा है, इसका सीसी भी ज़्यादा है, और साइड इसको जब हम कस्टमाइज़ करके इसको जब अपने स्टंट के शेप में बनाते हैं तो और भी ज़्यादा इसमें वेट एड अप होता है। तो इस ये आदमी जो है वो इस बाइक को ऐसे उड़ाता है जैसे बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसका वेट, लेकिन स्टंट इतने ज़बरदस्त है इसके, बर्न आउट्स है, छा गया था ये बंदा पहले के वीडियो में, मेरे पहले के ब्लॉग में चेक करना, इसका बर्न आउट ज़बरदस्त है, मेरे आँखों के सामने उसने टायर बस्ट कर दिया यार। See the burnout guys, it's awesome. He busted out the tires, you can see, the tire is totally damaged. हर एक दुकान में कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने ये क्या किया हुआ है कि जो हायाबुसा का जो कवर है उसको टोटली निकाल के उसको दीवार में, मतलब ऊपर छत में टांग दिया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूर से देखे तो ऐसे बिल्कुल मालूम नहीं चलता है, ऐसा लगता है कोई स्टिकर टंगा हुआ है, लेकिन ये
एक्चुअल में ये ओरिजिनल बॉडी है एक हायाबुसा की। अब जैसे जितनी बड़ी बाइक से उतना ही उसके प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तो अभी मैं एकदम सेंटर गैराज के सेंटर पे हूँ, यहाँ पे सारा काम होता है, यहाँ पे सारा कुछ होता है, इंजन का खोल खोल के पूरा इंजन को खोल के। मेरे ख्याल से मैंने जब देखा हायाबुसा का इंजन तो मैं लिटरली सरप्राइज्ड हो गया कि यार इतना बड़ा इंजन है इसका। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंजन देखिए आप, इतना बड़ा इंजन है इसका ये, और बैल्ब्स हैं ये काफ़ी सारे। मेरे को इतना ज़्यादा डिटेल टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यार एक जो नॉर्मल हमारे जो स्पोर्ट्स बाइक है और जो हायाबुसा जो बाइक है उसमें इंजन का जो जो मेकअप है, जो फ्रेम है, वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यामाहा और या BMW। सो ये वाली जो बाइक है इसकी आँखें देखें ज़रा आप, ज़बरदस्त है यार। मतलब आँखों से ही बंदा ना ढहा दे 10-15 लोगों को। तो इतनी ज़बरदस्त बाइक है ये हायाबुसा, और कस्टमाइज़ किया है। 1300 cc का इसका इंजन का कैपेसिटी है, और इतना ज़बरदस्त इसका कस्टमाइज़ किया हुआ है कि मैं इसको हर बार देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार इसको देखूँ मैं, इन्होंने कितना टाइम लगाया, कितना अपना एफर्ट लगाया इस बाइक में, टोटली अमेजिंग है। तो लगे हाथ मैंने एक टॉप स्पीड का कैप भी टपका लिया है, तो टपका लिया ही है। बहुत कुछ है कहने के लिए इस जगह पे, लेकिन इतना कुछ है कि मैं, मुझे लगता नहीं कि मैं अपने ब्लॉग में पूरा कवर कर पाऊँगा। लेकिन इन केस अगर आप आसपास ही कहीं पर रहते हैं तो प्लीज़ आइए इनके जगह पे और देखिए कैसा इनका सेटअप है, और हर चीज़ आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिलेंगी यहाँ। सो मेरे साथ में अभी मौजूद है यूसुफ, जो कि टॉप स्पीड के ओनर भी है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इस वक्त मैं ऐसे टाइम पे हूँ जब रमज़ान का टाइम है और यहाँ पे लोग अपना फास्टिंग तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो छोटा सा एक चाय के साथ, नाश्ता पानी के साथ। सर वेलकम टू माय चैनल। वेलकम फॉर एवरीबॉडी। यस, उनको मालूम था कि मैं भी मोरों से बिलोंग करता हूँ, और इंस्टाग्राम में उन्होंने ऑलरेडी मुझे फॉलो किया हुआ था, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता।